जिंदाबाद जिंदाबाद सत्र एकता जिंदाबाद 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 वायु प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ वायु प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ सत्र एकता जिंदाबाद 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 सत्र एकता जिंदाबाद 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 सत्र एकता जिंदाबाद 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 ज्यादा ईमेल्स मेरे पोस्ट पर आ रही हैं, उनको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। आपकी बात वाइस चांसलर तक पहुँचाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग इन दिस लेटर, आपको ये समझना पड़ेगा यूनिवर्सिटी अकेली में स्टेट में और यूनिवर्सिटीज में हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी संबंध रखना पड़ता है। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। आपकी बात आपने दो सेमेस्टर ब्लेंडेड बोर्ड में एक बात बताई है, इसी यूनिवर्सिटी ने भी आपको मौका दिया है ना, कोई और तो नहीं थी ना, यही दिया है ना, तो क्या कारण है अविश्वास का या इतना अधीर होने का, क्या कारण है? आप ही की यूनिवर्सिटी आप ही की बात पहले भी सुनी गई, 15 दिन पहले से अभी आप सिचुएशन को देख रहे हैं, कैसे चलिए, हो सकता है 5 दिन बाद हमें सरकार ही ये कह दे कि नहीं जी सब ये तो संख्या बन रही है बंद करो, हो सकता है 10 दिन के बाद मेरे को आपसे हॉस्टल भी खाली करवाने पड़े, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है दोबारा। द नंबर ऑफ द केसेज आर राइजिंग इन दिस प्रपोर्शन, तो ऐसा मत शो करो कि कोई भी आपके लिए इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सेंसिटिव है। आप कहो एक ईमेल भी करते हो उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हर बात का इमीडिएट सॉल्यूशन हो जाए संभव नहीं है। एवरी आफ्टर एवरी 2 or 3 days वी आर सिटिंग ओवर द इशू, वी आर डिस्कसिंग ओवर इट, वी आर विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, और जितनी मानते थे आपकी बात रख रहे हैं, वेरी अप्राइज कर रहे हैं, जो भी डिसीजन होगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देख के, स्टूडेंट को देख करके, आपके भविष्य को देख करके, तीनों चीज़ों को देख करके ही है। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कितने दिन पहले, एग्जाम 1 तारीख से है, कि आप इस तारीख से पहले आप हमको कंफर्म कर देंगे पेपर ऐसे होंगे, क्योंकि सर ये जानने का था हमें भी आप है ना। आज की डेट में अगर आप जानने की बात करें, आज की डेट में यूनिवर्सिटी का डिसीजन जो सभी के पास है वो होल्ड करता है कि हमारे पास ऑफलाइन एग्जाम है आज का डिसीजन, यानी कि 25 फरवरी का। वी आर रिव्यूइंग, जैसे बताया, और पहले भी आपको टाइम से पहले या तो बताया गया है, और जब भी अगर नहीं बताया गया है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। आप सब चीज को अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हो? अगर आपको टाइम भी नहीं बताया जाएगा तो आपको एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा, पहले नहीं दिया था, अभी मिलेगा। आज की स्थिति में पहले सबसे पहले आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति ये उसकी रीजन मांगो सर, क्यों वो ऑफलाइन देना चाहते हैं, क्यों ऑनलाइन, ये हमारी मांग है। और सर ये नोटिस आया हुआ है सर ऑफलाइन एग्जाम कहेगा, नोटिस आया हो ऑफलाइन एग्जाम। Thank you.